ECAT Mathematics F.Sc Part 1 Chapter Number 6 जो कि है Sequences and Series. इसमें आज हम जिस टॉपिक को डिस्कवर करेंगे वो है Sum of Squares and Cubes of First n Natural Numbers. इस सम को हम जो है वो सिग्मा नोटेशन से यानी जो के एक ग्रीक लेटर है उससे रिप्रेजेंट करेंगे और जो गिवन सीरीज है उसको एक सम के फार्मूला में तब्दील करेंगे. अब वो जो कॉन्सेप्ट्स हैं या वो जो प्रॉब्लम्स हैं वो हम एमसीक्यूज के जरिए यहाँ पर समझते हैं. जी, इस एमसीक्यू में हमसे ये पूछा जा रहा है कि अगर हम सम करें एक सीरीज का जिसकी 5 टर्म्स हैं यानी k की वेरिएशन 1 से लेकर 5 तक है, जिसमें फर्स्ट टर्म कैसे बन सकती है कि अगर हम इस जो फार्मूला है या इस जनरल टर्म फार्मूला बना हुआ है इसमें अगर के वन लिखेंगे तो फर्स्ट टर्म आ जाएगी, टू लिखेंगे तो सेकंड टर्म, इस तरह करते करते इन फाइव टर्म्स का जो सम है इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन हो सकता है. ठीक है, तो हम इसको इस तरह से करते हैं कि फर्स्ट करते हैं फॉर के इक्वल टू वन, फॉर के इक्वल टू टू थ्री फोर और फाइव के लिए लिखते हैं. ठीक है, जैसे अगर हम वन लिखें तो वन स्क्वायर वन होता है. ठीक है, और उसमें से हम माइनस कर रहे हैं वन माइनस वन जीरो का स्क्वायर तो वन ही आएगा, ये फर्स्ट टर्म होगी. प्लस जब हम टू लिखेंगे तो टू का स्क्वायर फोर, टू माइनस वन वन, वन का स्क्वायर वन, फोर में से वन माइनस करें थ्री आ जाएगा. इसके बाद अगर हम फाइव थ्री पुट करते हैं, थ्री पुट करते हैं तो इसमें क्या आएगा जी, थ्री का स्क्वायर नाइन और थ्री माइनस वन कितना होता है, थ्री माइनस वन टू होता है, टू का स्क्वायर फोर, तो नाइन में से फोर माइनस करेंगे फाइव आए. ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट टर्म हमारे पास सेवन आ जाएगी अगर हम फोर पुट करते हैं. देखिए फोर का स्क्वायर सिक्सटीन और फोर माइनस वन जो होता है वो थ्री होता है, थ्री का स्क्वायर नाइन, तो सिक्सटीन में से अगर आप नाइन माइनस करें तो सेवन ही आता है. ठीक है, और इसके बाद जो लास्ट टर्म है वो फिर नाइन होगी. तो ये देखिए फाइव टर्म्स आ गई हैं. अब थ्री और सेवन का सम होता है हमारे पास कितना, टेन, और 1 और 9 का सम भी होता है 10, 20 हो गया और ये 5. तो इसका मतलब ये सम हमारा कितना बन रहा है जी, 25 बन रहा है जो कि ऑप्शन सी में अवेलेबल है. इसलिए इस तरीके से हम ये देख सकते हैं कि अगर इस तरह से ये सीरीज बनी होती, ठीक है, तो उसका जो सिग्मा नोटेशन है उसकी वो इस तरह से बनती कि हम उसको के स्क्वायर माइनस के माइनस वन होल स्क्वायर के सम के शेप में लिखते और जो उसमें के है उसकी वेरिएशन 1 से 5 तक जो हम रखते हैं. अब अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए तो इसमें एक सीरीज गिवन है जिसकी फर्स्ट टर्म 2 है, सेकंड टर्म 2 प्लस 5 है, थर्ड टर्म 2 प्लस 5 प्लस 8 है, प्लस सो ऑन टू n टर्म्स. अगर इस सीरीज का n टर्म तक सम किया जाए तो इसका सम किसके इक्वल आएगा. अब इस बात को मतलब चेक करने के लिए हम ये जो गिवन एक्सप्रेशन है जिनके बराबर इनमें से कोई एक बनेगा या हो सकता है कोई भी ना बने, ठीक है, हम इसे चेक करते हैं. देखिए हम अगर n को 2 के इक्वल पुट करें तो इसका मतलब है कि हम इन दो टर्म्स का सम कर रहे हैं यानी ये 2 और ये 5 प्लस टू 7, 7 प्लस 2 कितना होता है 9. अब हम देखते हैं कि 2 लिखने से कौन सा एक्सप्रेशन हमें 9 आंसर देता है. जैसे अगर हम ए ऑप्शन की बात करें, यहाँ पे अगर हम 2 पुट करते हैं तो 2 2 से कैंसिल हो जाएगा और 2 प्लस 1 3 आंसर आएगा जो के नहीं है, मतलब 9 आना चाहिए था, इस क्वेश्चन के लिहाज से गलत है. अगर हम बी ऑप्शन को देखें, यहाँ पे हम n की जगह 2 पुट करते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे पुट किया था, अब यहाँ पे 2 आएगा, इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, जबकि 2 प्लस 1 आएगा 3 और 3 का स्क्वायर होता है कितना 9, ये आंसर 9 आ रहा है, ये मैच कर रहा ऑप्शन. चले हम इसको अभी फिलहाल छोड़ते हैं. अभी सी को देखते हैं. सी में अगर हम 2 पुट करें तो ये 2 का स्क्वायर 4 आएगा जो कि 2 कैंसिल कर देगा, 2 बच जाएगा और यहाँ पर 2 प्लस 1 3, 3 2 आर 6. तो देखिए ऑप्शन बी जो है हमारा बिल्कुल यहाँ पर एक हमें बेस्ट ऑप्शन है, वही सम दे रहा है जो कि ये सीरीज का बन रहा है. इसका मतलब इसका अगर हम इसको अगर सम की शेप में लिखेंगे, ठीक है, और इस सीरीज का सम करेंगे तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आएगा जो कि n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 है. नेक्स्ट एमसीक्यू है जी के जिसमें हमें सम करना है सीरीज का n टर्म्स तक, जिसमें फर्स्ट टर्म जो है वो 1 स्क्वायर है प्लस
सेकंड जो टर्म है वो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर है, थर्ड टर्म जो इसमें 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर का, तो सीक्वेंस में जो फोर्थ टर्म होगी उसमें 1 स्क्वायर भी आएगा प्लस 2 स्क्वायर भी आएगा प्लस 3 स्क्वायर भी आएगा प्लस 4 स्क्वायर भी आएगा, ठीक है। इसी कैसे ये सीरीज चल रही है। अब हमने ये देखना है कि इसका जो सम है वो आखिर इनमें से किस एक्सप्रेशन के एग्जैक्ट बराबर है, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं कि फॉर एन इक्वल टू टू देखते हैं कि ये सीरीज कितना हमें सम देती है, यानी दो टर्म्स हो अगर इसकी, वन स्क्वायर वन होता है प्लस, और सेकंड टर्म में टू का स्क्वायर आ जाएगा फोर और वन का स्क्वायर वन, तो फोर प्लस वन फाइव, तो ये सम हमारे पास बनता है सिक्स। अब हम देखते हैं कि इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन है जो हमें एन इक्वल टू टू पे सिक्स आंसर देता है। जैसे फर्स्ट अगर हम देखें, यहाँ पे अगर हम एन इक्वल टू टू पुट करते हैं तो टू प्लस वन कितना होता है थ्री, थ्री का स्क्वायर नाइन, और नाइन टू से मल्टीप्लाई होकर एटीन, तो बहुत बड़ा सम आ रहा है, ठीक है। ये नहीं हो सकता एक्सप्रेशन, ठीक है, चूंकि इसमें देखें ये सिर्फ टू ने माइनस होना, तो ये तो बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है। इसी तरह अगर हम बी ऑप्शन देखें तो इसमें भी सेम यही प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, कि एन की वैल्यू टू रखने से हमें आंसर सिक्स से बहुत बड़ा मिल रहा है। लेकिन अगर हम सी ऑप्शन को देखें तो देखें यहाँ पर अगर हम एन इक्वल टू टू पुट करते हैं तो हमें क्या जवाब मिलता है, टू आएगा, ठीक है, फिर टू प्लस वन थ्री आएगा, थ्री का स्क्वायर नाइन, नाइन आ जाएगा, ठीक है। इस तरह फिर यहाँ पर टू का स्क्वायर फोर, फोर प्लस सिक्स फोर, और ये सिक्स आ गया, टेन प्लस टू ट्वेल्व आता है, ठीक है, यहाँ पे हमें ट्वेल्व आंसर मिल रहा है, जबकि डिवाइडेड बाय हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं जी, 12 लिख रहे हैं। अब अगर हम 12 को 12 से कैंसिल कर दें तो ये हमारे पास आंसर आता है 18, ठीक है। तो देखें इस लिहाज से अगर हम देखें तो सारे ही ऑप्शन इसमें ये वाले तीनों ही रॉन्ग है, तो डी ऑप्शन फिर बन जाएगा नन ऑफ दीज, ठीक है, नन ऑफ दीज। मैंने इस पे वर्क किया था और इसका फार्मूला जो मैंने ड्राइव किया, ठीक है, तो इसमें अगर हम यहाँ पर कुछ चेंजेस कर लें, जैसे फर्ज करें अब मैं इस ऑप्शन को रेस कर देता हूँ, ठीक है, कि अगर ये इस तरह से ऑप्शन लिखा होता कि यहाँ पे स्क्वायर ना होता, ये एन प्लस वन होल स्क्वायर ना होता, ठीक है, और अब अगर हम इसमें एन की जगह टू पुट करते हैं, ठीक है जी, यहाँ पर टू आता, यहाँ पर टू प्लस वन थ्री हो जाता, ठीक है, और ये तो ट्वेल्व बन ही रहा था, ट्वेल्व ट्वेल्व से कैंसिल हो जाता और 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 आ जाता, तो ये बिल्कुल हमारा फार्मूला जो सम का था वो बिल्कुल फिर करेक्ट हो जाता, और फिर हम सी ऑप्शन को कहते हैं कि ये हमारा क्या है जी, बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि इससे वही सम बनता है जो कि सीरीज का वाकई जितनी भी टर्म्स का हम सम देखना चाहते हैं वो बन रहा होता है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, जिसकी स्टेटमेंट है कि अगर इस सीरीज का सम किया जाए एन टर्म्स तक तो इनमें से कौन सा फार्मूला इसका बनेगा, ठीक है। अब देखें अगर मैं इस सीरीज को ज़रा कुछ एक्सप्लेन कर दूं तो इसकी फर्स्ट टर्म में वन मल्टीप्लाई बाय फोर मल्टीप्लाई बाय सिक्स आ रहा है, यानी अगर इनको हम सिंपल मल्टीप्लाई करके देखें तो ये प्रोडक्ट बनता है 24, ठीक है। इससे अगर सेकंड टर्म को अगर हम मल्टीप्लाई करें इसके जो भी फैक्टर्स हैं तो फोर मल्टीप्लाई बाय सेवन मल्टीप्लाई बाय टेन, तो ये बनता है 77, टेन से मल्टीप्लाई कर और फिर मल्टीप्लाई बाय फोर 280 बनता है, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट टर्म आ रही है, नेक्स्ट टर्म आ रही है, तो ये सो ऑन चलता जा रहा है। अब इसका अगर एन टर्म तक सम किया जाए तो इनमें से कौन सा फार्मूला होगा, हम ऐसा करते हैं कि एन इक्वल टू वन पे भी चेक कर सकते हैं और टू पे भी चेक कर सकते हैं, कि देखते हैं कि कौन सी जो यानी कौन सा वो फार्मूला जो हमें एग्जैक्ट इन दोनों टर्म का सम जो कि बनता है 304 वो दे देता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर हम एन इक्वल टू टू पुट करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर 2 आएगा, ठीक है, यहाँ पर 2, 2 का क्यूब होता है 8, 8 9 से मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा 72, ठीक है जी, माइनस 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 20 से मल्टीप्लाई होकर 80 आ जाएगा, ठीक है, और प्लस 2 5 से मल्टीप्लाई होकर 10 माइनस 10 आ जाएगा, ठीक है। अब आप देखें कि ये नंबर तो आपस में कैंसिल हो रहे हैं और यहाँ पर 2 लिखा था हमने, और 72 में से जब आप 80 माइनस करते हैं तो नेगेटिव 8 आएगा जो कि 2 से मल्टीप्लाई करके नेगेटिव 16 आंसर देता है, जो कि रॉन्ग है, ठीक है। इसे हम कहेंगे ऑप्शन ए तो नहीं हो सकता। अगर ऑप्शन बी में फर्ज करें अगर हम लिखते हैं एन इक्वल टू 2 तो यहाँ पर 2 आएगा, फिर ये मतलब 8 8 9 टाइम 72
72 को जब आप इसमें ऐड करेंगे 80 72 में, तो ये 152 बन जाएगा, ठीक है 152, और ये 10 और प्लस 20 इसमें मजीद ऐड करें तो ये बनता है 172, जिसको कि अगर 2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो देखें 2 2s are 4, 2 7s are 14, 1 carry, तो 1 times 2 और इसमें 2 1 ऐड कर लें तो 344 बनता है। तो ये भी एग्जैक्ट वो आंसर नहीं दे रहा है, यानी इनका सम जो बनता है वो 304 बनता है, जबकि यहाँ पे 344 आ रहा है, इसलिए ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट सी ऑप्शन को चेक करते हैं और देखते हैं कि इससे हमें क्या आंसर मिलता। चलें जी, यहाँ पर अगर हम n इक्वल टू 2 पुट करते हैं, ठीक है यहाँ पर 2 आता, यहाँ पर ये 72 ही आता, ठीक है प्लस यहाँ पर 80 आता, और ये 10 माइनस 10 से क्या हो जाता, कैंसिल हो जाता, तो ये बना 152। अब 152 का अगर 2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये हमारे पास 2s are 4, 2 5 times 10, 0 1 carry, 2 1 times 2 और 1 3, ये 304 ही आंसर दे रहा है। इसका मतलब कि अगर हम इसको फार्मूला से, मतलब जो सिग्मा नोटेशन से इस सीरीज का सम बनाते और उसका फार्मूला लिखते तो फिर ये एक्सप्रेशन जो है वो एग्जैक्ट इन जो ये सीरीज गिवन है इसकी टर्म्स के सम को रिप्रेजेंट कर, यानी एन अगर 5 पुट करेंगे तो इसकी पहली 5 टर्म का सम शो हो जाएगा इसमें, ठीक है 6 पुट करेंगे तो, इसी तरह मैंने 2 पुट करके देखा पहली 2 टर्म्स का सम, इससे प्रूव हो रहा है कि ये वाकई वही सम बनता है। इसलिए हम कहेंगे कि ऑप्शन सी जो है हमारा बेस्ट ऑप्शन है, जबकि ऑप्शन डी जो है देखिए बिल्कुल सेम एक्सप्रेशन लेकिन यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय एन नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब इसका आंसर भी मैच नहीं करेगा इस सम से। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं जी, इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि अगर हमारे पास क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर्स जैसे 1 क्यूब फिर 2 क्यूब फिर 3 क्यूब और इनका सम लिखा अप टू एन टर्म्स, तो ये सम जब इसका किया जाएगा तो इसका क्या फार्मूला बनेगा। अब हम इस चीज़ को देखने जा रहे हैं, देखिए अगर हम फर्ज करें अगर हम पहली 2 टर्म्स का सम देखते हैं तो 1 क्यूब तो 1 होता है और 2 क्यूब होता है 8, तो ये सम हमारे पास आता है 9। अब हम देखते हैं कि क्या ये फार्मूला इनमें से कौन सा फार्मूला है जो हमें पहली 2 टर्म का सम 9 शो करके देता है, यानी n को हम 2 पुट करेंगे, पहले इसमें पुट करते हैं, देखें यहाँ पर 2 आएगा, ठीक है 2 प्लस 1 कितना होता है 3, 3 का स्क्वायर 9, यहाँ पे 9 आ जाएगा और डिवाइडेड बाय 4, तो यहाँ से अगर हम देखें तो 2 2s are 4 होता, तो हमारा आंसर आ जाए 9 by 2, इसलिए ये ऑप्शन तो ए ऑप्शन तो नहीं हो सकता, ठीक है। अगर हम ऑप्शन बी को देखें तो यहाँ पे अगर हम n की जगह 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4 और यहाँ पर आ जाएगा जी 2 plus 1 3, 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9, तो हमारा आंसर बनता है 36, जो कि ये भी दुरुस्त नहीं है, 9 नहीं आया सम, इसलिए हम इसको भी नहीं रखेंगे। इसके बाद अगर n इक्वल टू 2 सी इक्वेशन में पुट करते हैं, यानी सी ऑप्शन वाली जो एक्सप्रेशन है उसमें अगर लिखा जाए, ठीक है जी, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर जो होगा वो 4 आएगा और 2 plus 1 3, 3 का स्क्वायर आएगा 9 और डिवाइडेड बाय 4, 4 से कैंसिल और हमें सम मिल जाएगा 9। इसका मतलब कि ऑप्शन सी जो है वो हमारा यहाँ पर अब बेस्ट ऑप्शन है, और अगर मैं इस सीरीज का सम करूँगा तो उसका जो फार्मूला बनेगा वो यही बनेगा कि इसमें एन स्क्वायर आएगा फर्स्ट फैक्टर फिर n प्लस 1 होल स्क्वायर, ये मतलब इस लिहाज से कि अगर 2 फैक्टर लिखे जाए, ठीक है इंडेक्स नोटेशन में और डिवाइडेड बाय 4, तो ये एक ऑप्शन जो सी ऑप्शन वो हमारा यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन होगा। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एमसीक्यू सॉल्व करते हैं कि अगर हमारे पास एक सीरीज इस तरह से हो कि 1 into 1, ठीक है इसकी फर्स्ट टर्म के ये फैक्टर हों, प्लस 2 into 4 ये सेकेंड टर्म है, प्लस 3 into 7 या 3 times of 7 ये थर्ड टर्म, प्लस ऑन, अब इस टाइप की अगर सीरीज का सम करना हो तो हम इसके लिए जो फार्मूला बनाएंगे वो इनमें से कौन सा ऑप्शन हो सकता है। अब हम इस बात को ज़रा समझते हैं, देखिए अगर मैं इसमें इसकी पहली 2 टर्म का सम या पहली 3 टर्म का सम देखता हूँ, ठीक है तो वो मेरे पास क्या आता है, इसको अगर हम ऐड करें देखिए 1 multiplied by 1 1 आएगा, ठीक है 2 multiplied by 4 8 आ जाएगा और 3 multiplied by 7 21 आएगा, तो ये 9 बनता है 1 और 8 का सम, और इसमें 21 अगर ऐड करें तो ये 30 सम बनता है। अब हम देखते हैं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमें n equal to 3 पे 30 आंसर देता है, ठीक है
फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसमें एन इक्वल टू थ्री पुट करते हैं, ठीक है, तो क्या ये पहले तीन टर्म का सम 30 शो करेगी? यहाँ पे 3 आएगा एक तो, ठीक है, फिर यहाँ पे आप देखें तो 3 का स्क्वायर 9, 9 2 से मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा 18, प्लस 3 और प्लस 1, तो ये बना 4, ठीक है, जो के 22 बन गया। 22 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये 66 आते, ये तो नहीं हो सकता, ऑप्शन ए नहीं हो सकता, ठीक है, 30 सम बनना चाहिए, तो बहुत ज़्यादा बन रहा है। फिर अगर हम इसमें सेकंड ऑप्शन देखें कि अगर हम एन को 3 पुट करें, अब इसको ज़रा चेक करते हैं कि इसका आंसर क्या आता है, यहाँ पे 3 ही लिखेंगे हम, ठीक है, ये हमारे पास 18 ही बनता है, 18 में से अगर आप 3 माइनस कर लें 15 आ जाएगा, 15 में 1 ऐड करें 16, तो 16 3 टाइम होता है जी 48, ठीक है, ये भी ऑप्शन नहीं बन रहा, ठीक है, इसको भी छोड़ देंगे हम, ठीक है, ये भी नहीं हो बना। अब सी ऑप्शन को देखते हैं हम, यहाँ पे अगर हम 3 पुट करते हैं तो ये देखिए, ये बिल्कुल सेम एक्सप्रेशन, मतलब सिर्फ इसमें हम क्या कर रहे हैं कि 48 को मजीद 2 पे डिवाइड कर रहे हैं, 48 को 2 पे डिवाइड कर रहे हैं, जो कि 24 आता है, लेकिन ये भी ऑप्शन नहीं बने क्योंकि 30 सम बन रहा है। हम डी ऑप्शन को चेक करते हैं, देखें यहाँ पे 3, ठीक है, ओवर 2 आएगा, ये 3 का स्क्वायर 9 टू जार 18, 18 में हम प्लस करेंगे 3 माइनस 1 जो कि 2 होता है 20 को, ठीक है, तो ये बनना 20, बल्कि मैं इसको इधर ही लिख लेता हूँ, ये 20 बन गया हमारे पास, और 20 का हाफ होता है 10, और 10 को 3 से मल्टीप्लाई करते 30 आता है, तो मतलब ऑप्शन सी जो है, ऑप्शन डी जो है हमारा वो बेस्ट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिहाज से, और इस सीरीज का सम जो है वो ये एक्सप्रेशन बनेगा जिसमें n बाय 2 टाइम्स 2 n स्क्वायर प्लस n माइनस 1 जो है वो आ रहा है।